हेलो डियर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी आईब्रोज की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कैसे कर सकती हो। कुछ इजी से स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली अपनी आईब्रोज को काफ़ी ब्यूटीफुल बना सकते हो। गाइस, कोकोनट ऑयल के बारे में आप सभी जानते हैं और हम सभी यूज़ भी करते हैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल को। बट गाइस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कोकोनट ऑयल को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें तो हमें कोकोनट ऑयल के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। गाइस, कोकोनट ऑयल बहुत हद तक आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, हम सभी की आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और गाइस, जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें लॉरिक एसिड होता है जो एक एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है और इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है और आपकी आईब्रोज की जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर कोकोनट ऑयल, या पैराशूट कोकोनट ऑयल है। तो इसे अगर आप यूज़ करते हैं आप अपनी आईब्रोज के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके आईब्रो की ग्रोथ को बहुत जल्दी बढ़ा देगा। सो हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है और इस तरह से आपके पास अगर कोई पुराना मस्कारा ब्रश पड़ा हुआ है तो उसको ले लीजिए, इसमें डिप कीजिए इस तरह से। और ये जब अच्छे से इसमें आ जाए तो इस कोकोनट ऑयल को आप अपनी आईब्रोज पे अप्लाई कीजिए और 3 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज कर लीजिए। गाइस, अगर आप इसको मस्कारा ब्रश से नहीं लगा सकते तो आप इस तरह से उंगली पे लेकर के भी इसको लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी नहीं लगा सकते तो सिंपली एक कॉटन ले लीजिए और कॉटन को इसमें डिप कीजिए और उसके बाद अपनी आईब्रोज पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर कंटिन्यू आप इसको 2 वीक तक करोगे तो सीरियसली गाइस, आपके आईब्रोज में आपको बहुत ही अच्छे फर्क नज़र आएंगे। और कोकोनट ऑयल को मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसे यूज़ करके क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोकोनट ऑयल से वाइट बाल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे दिमाग का बहम है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल ना आए, कोकोनट ऑयल से कभी भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और आपके हेयर ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप अपने बालों में इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपकी स्किन से इन्फेक्शन को हटाने का काम करता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल आपका कलर फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो गाइज, ये थोड़ी सी बात ट्रस्टेड कम लगती है मुझे क्योंकि ये हेयर्स पे ज़्यादा वर्क करता है, स्किन पे कम। लेकिन हाँ, ये मॉइस्चर को लॉक करता है आपकी स्किन में। सो कोकोनट ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल स्किन के लिए भी अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसके वर्क हैं वो हेयर्स पे देखने को मिलते हैं। आप अपनी आईब्रोज, आईलैशेस और बालों पे इसको यूज़ कर सकते हैं और सच में फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मैंने देखे हैं। सो आप इसको ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोकोनट ऑयल जो होता है वो जो सेल्स होती हैं आपके हेयर्स को कलर देने वाली, तो कभी कभी होता है कि वाइट वाल हो जाते हैं जब जो सेल्स होती हैं वो अच्छे से कलर नहीं देती हैं बालों को, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी। और आप अच्छे से ब्रांड का ले लीजिए, अगर आपके पास प्योर है तो वो ले लीजिए। मेरे पास प्योर था, नारियलों से निकलवाया हुआ था बट अभी वो ख़त्म हो गया है तो मैं ये वाला बता रही हूँ आपको। बट अगर आपके पास प्योर है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं कर सकता। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इन रेमेडीज से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। और गाइस, मैं बता दूँ आपको सबसे बड़ी बात कि एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कोई भी इंसान एकदम काले से सफ़ेद नहीं होता। और एक दिन में भी आप कोकोनट ऑयल को यूज़ करके आप अपनी आईब्रोज को एकदम काला और घना नहीं बना सकते। रेगुलरली कम से कम 1 महीने तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद ही अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमारी जेनेटिकली होती हैं वो इतनी इजीली नहीं बदलती, थोड़ा वक्त लगता है। तो कोकोनट ऑयल को यूज़ करके देखिएगा आप, आपकी आईब्रोज की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो आईलैशेस हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनको लेज़र ट्रीटमेंट दिया होता है उनके बाल आईब्रोज के चढ़ जाते हैं और हेयर के भी चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ भी
या आपके कोई रिलेटिव या आप किसी फ्रेंड के साथ, तो आप उसे कोकोनट ऑयल के बारे में बताएं। कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेने से ही उनकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उनके बाल जल्दी से आ जाएंगे और एक पेनफुल ज़िंदगी से उनको निजात मिलेगा। सो गाइज, अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक कोकोनट ऑयल को यूज़ कीजिए और आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।